सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की ये है कि 300 विधायक नाराज हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सोचिए आप। मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, सच्चाई के साथ सबको साथ लेकर के हर जाति बिरादरी को जोड़ करके और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ करके साइकिल चला करके इसीलिए कहा कि 22 में 22 के वो हमारे बाबा हैं और ऐसे बाबा हैं कि कोई बाबा उन पे अटैक नहीं कर सकता। सोच लीजिए आप कितने बड़े होंगे। अखिलेश जी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला सरकार से, तो क्या ये माना जाए सरकार जो है भ्रष्टाचार का विरोध की नीति पे खरी उतर रही है? अच्छा है, मुझे खुशी है इस पत्रकार साथी ने जो हमें याद दिला दिया। मैं उनकी पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ, वो पढ़ी किसी कारण चली गई होगी, बड़ा मान लिया किसी कारण हम मिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ये मानता था कि स्लाइड में आपने देख लिया होगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। खराब स्वास्थ्य में नंबर वन, खराब शिक्षा व्यवस्था में नंबर वन, खराब मिडडे मील में नंबर वन, फर्जी इनकाउंट में नंबर वन, महिला अपराधों में नंबर वन, बाल अपराधों में नंबर वन, रेप पीड़ितों से अन्याय में नंबर वन, नो फास्ट ट्रैक कॉल उसमें भी नंबर वन है, और भ्रष्टाचार का भी नंबर वन, बेरोजगारी में भी नंबर वन, रोजगार खत्म करने में भी नंबर वन, नो स्मार्ट सिटी, कोई मेट्रो अभी तक आगे नहीं बढ़ा पाए उसमें भी नंबर वन, जात के आधार पर फैसले लेने में नंबर वन, जात को बढ़ाने में नंबर वन, थानों में जात के हिसाब से पोस्टिंग करने में नंबर वन, अगर ना हो तो बताइए, और पुलिस के भ्रष्टाचार में भी नंबर वन, कस्टोडियल डेथ में भी नंबर वन, और पुलिस पिटाई में भी नंबर वन, आईपीएस के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं इसमें भी नंबर वन, गंगा सफाई में भी क्या सफाई हुई है, हजारों करोड़ साफ हो गए, और जैसा मैंने हमेशा कहा जब तक नियत साफ नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी, और पेड़ घोटाले में भी नंबर वन, और पत्रकारों के भी ऊपर अन्याय और अत्याचार में नंबर वन। अगर आपने खबर चला दी कि दाल में पानी ज्यादा था तो समझ लो कौन सी धारा लग जाएगी आपको। आप क्या मानते हैं अपने आप किसमें अल्पसंख्यक को लेकर के कोई भी अपना नंबर नहीं बताया कि नंबर वन पे है या नहीं है, कोई बात नहीं। अल्पसंख्यकों में उनके ऊपर अन्याय में सरकार नंबर वन, और खासकर मुसलमान भाइयों के ऊपर अन्याय करने में नंबर वन से ऊपर कोई गिनती हो वो भी है। सरकार ने दावा किया है सब जगह नंबर वन। सरकार ने दावा किया है पिछले 3 साल में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई है। सरकार ने दावा किया है कि पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद होती थी, पर हमारी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी 2012 से लेकर के 2017 में, वो कौन सी चीनी मिल बिकी है वो सरकार मुझे बताए। और वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनका अगर भाषण सुने, जैसे उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कोई मेट्रो नहीं थी,
एक्सलेंस होता है तो क्या झूठ बोलेगा नंबर वन है सरकार की नहीं? मसूली में नंबर वन सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे थोड़ा स्पेसिफिक पूछना चाह रहा हूँ, किस चीज की मसूली में नंबर वन? समय क्या है, कितने बजे कर रहे हैं? तो एक बार 8 बजे पहले भी किया था। अध्यक्ष जी, कल जो है उन्होंने कहा, कल कहा कि जो है पिछली सरकार जो थी उनका काम बोलता था और इस सरकार में हमारी सरकार में काम दिखता, दोनों में इतना अंतर। अखिलेश जी, एक सवाल है सर, अभी भी समाजवादियों के काम को ही काम बना रहे हैं। कैसी सरकार होगी जिनके सबसे बड़े नेता उनके नाम पर कोई अपना काम नहीं कर पाए? मैंने कितनी बार कहा कि कंस्टन बटेश्वर ने जहां पर पैदा हुए थे और देश के प्रधानमंत्री बने, कम से कम बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते वहां बटेश्वर के लोगों के लिए, लोग भवन में खाली जगह मिल गई तो इन्हें खाली जमीन अगर दी गई तो गौशाला बन जाएगा, नहीं तो अपने किसी महापुरुष का स्मारक बना देंगे। समाजवादी पार्टी की 351 सीटें आ रही है, 351 2022 सीटें थी। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के भावना अनुरूप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के अग्रसर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे पत्रकार साथी ने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, अगर सरकार ये दावा करती कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होगी तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट क्या आएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, ये सरकार बताए। और अगर सरकार की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में और माहौल नहीं बना पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने का, तो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी संभव नहीं है। अखिलेश जी बताइए, समाजवादी पार्टी कोरोना के लिए कैसे मदद करना चाहती, कैसे मदद करेगी? सभी कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने कैंसिल कर दिए हैं, साथ ही साथ हमारी अपील है कि हमारे कार्यकर्ता घर पे रहें, नवरात्र में व्रत रहें, और कहीं भी किसी तरह की किसी को जरूरत हो तो फोन पर उपलब्ध रहें, चाहे उनका मित्र हो, पड़ोसी हो, अगर कोई मदद मांगता है तो उसका सहयोग करें। हम उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं। पोस्टर विवाद पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब 10 दिन का समय पोस्टर सरकार ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जो संविधान और कानून को ना मानती हो? तो सरकार ने कम से कम स्वीकार तो किया कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था। सर, विधायक जो है सपा के आपसे नाराज, आजम खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के काफी जो है फाउंडर लोगों में शामिल है, आपके पिताश्री के खास है, आज जब उन पर मुसीबत आ पड़ी है तो आपकी पार्टी के लोग उनके साथ क्यों खड़े नहीं नजर आ रहे? समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ, उनके दुख तकलीफ में पूरा समाजवादी पार्टी परिवार उनके साथ है। क्या गठबंधन चुनाव में जा रही है या फिर इसका कोई विचार आप लोग कर रहे हैं? ना निर्णय लेने वाली सरकार है और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि आप 350 सीटें जीत करके आ रहे हो, तो एक और मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, सच्चाई के साथ सबको साथ लेकर के हर जाति बिरादरी को जोड़ करके और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ करके
साइकिल चला करके, इसीलिए कहा कि 22 में 22 के जितना ज्यादा साइकिल चलाई जाएगी, जितने लोगों के बीच में पहुंचा जाएगा, उससे उतनी ही ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप मुझे बताइए, 100 से 112 कर दिया आपने, पुलिस को कितनी गाड़ी नहीं खरीद कर दी, 102, 108 एम्बुलेंस कितनी नहीं खरीदी है आपने, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया है, पुलिस को आपने बिल्कुल गुनाह बना दिया है। क्या कभी ऐसा हुआ होगा आईपीएस आईपीएस पे आरोप लगा रहा हो और आईपीएस को यह सुपारी दी जाए कि इसको जेल भेज दो, तब तुम्हारी और अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी। क्या सरकारी लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बन जाएंगे, सरकार का वेतन लेंगे और पॉलिटिकल भाषा बोलेंगे? ये कभी हुआ ऐसा? क्या सोचिए आप कभी जाकर के, जो कभी आरोप समाजवादियों पर लगाते थे, क्या सबसे ज्यादा जातिवादी काम नहीं हो रहा सरकार में? अगर एक ऐसा भी पोस्ट हो जाता था तो न जाने कितनी चीजें कही जाती कि समाजवादी जातिवादी है। लेकिन मैं अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार साथियों से कह रहा हूं कि आप जातिवादी नहीं है, कम से कम जातिवाद लोगों का खुलासा करिए। सर एक सवाल, जो जात के आधार में फैसले ले रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, वो हम सब क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय है नहीं है हम क्षत्रिय, बताइए आप, अगर नहीं है तो बताओ। सवाल और है, आप कई बार बता चुके हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोई काम नया नहीं शुरू कर रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, विजन की कमी है, लीडरशिप की कमी है, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, या फिर समाजवादी पार्टी ने इतना विकास कर दिया था कि अब खुद मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ तो ये लिखा रहता है अखबार में कि अभी तक का सबसे ऐतिहासिक बजट, और अगले वर्ष का कैसा होगा, वो भी उससे बड़ा होगा बजट, तो आप लिख कैसे दे रहे हो ये बात? पिछले दो बार से आप लिख रहे हो, हर वर्ष ये लिखते हैं आप कि ये ऐतिहासिक बजट है। और जहां तक सवाल आपने कहा, समाजवादी लोगों ने रास्ता दिखाया विकास का, विकास का ये रास्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहले गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो कभी भी समय पर और बिना उनका एस्टिमेशन बड़े पूरे नहीं होते थे। समाजवादी सरकार ने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को टाइम पर खत्म कर करके दिखाया और तमाम सरकारी विभागों को काम के प्रति उन्हें लगाया। क्या कभी सोच सकते थे कि ऐसी बिल्डिंगें बन जाएंगी? कभी कोई सोच सकता था कि ऐसा रिवर फ्रंट बन जाएगा? रिवर फ्रंट इस्तेमाल करना था तो नेवी को दे दिया, नेवी ने जाना ही नहीं होगा, नेवी के लोग ही नहीं जानते होंगे किसने बनाया, वो तो यही सोच रहे होंगे कि योगी जी ने बनाया है। लेकिन उनके कान में जब सच्चाई गई तो उन्होंने कहा यह सरकार तो बहुत झूठी है। ये था तो समाजवादी पार्टी ने रास्ता दिखाया, और केवल प्रदेश को नहीं देश को रास्ता दिखाया, एग्जेम्पलरी काम हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से सुंदर देश में एक एक्सप्रेस वे हो तो बताइए आप। आपके जो हॉस्पिटल्स बने, कैंसर इंस्टीट्यूट जो बने, आप देखिए लोहिया के बीच में जो बिल्डिंग बनी है, आप जाकर के देखिए बलिया में जो बना है, सबसे बड़ा पुल बना है, वहां पर यूनिवर्सिटी थी, स्पोर्ट्स कॉलेज दिया, गाजीपुर में कभी ससेर अहमद साहब ने स्कूल खोला तो वो जगह को दिया, वहां पर वो गाजीपुर में उनके गांव के लिए, प्रकाश जी गांव के लिए वो सड़क कितने सालों से नहीं बनी थी, हमने कहा ऐसी सड़क बना देंगे जो हमेशा रहेगी, कभी नहीं बुलेगी, तो कभी से एग्जाम्पलरी काम किए। वर्णा नदी को साफ कर रहे थे कि वर्णा नदी कैसे साफ बनेगी, गोमती का एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको नदियां साफ करनी है तो इस तरीके से पहले ड्रेन बनाइए, एक भी नाला ना जाए, सब ट्रैप हो जाए, उसके अंदर टैप कर दीजिए, बाद में प्लांट तक लेके जाए और उसके बाद उसमें पानी छोड़ दें, क्योंकि अपस्ट्रीम में हमेशा साफ होता है, डाउनस्ट्रीम में गंदा हो जाता है पानी। तो ये एग्जेम्पलरी काम किए थे, जिस बिल्डिंग का अभी लास्ट में उद्घाटन किया, एक पार्किंग की बिल्डिंग थी, क्या कोई बना सकता था इतनी बड़ी पार्किंग की बिल्डिंग? कुछ कार्यकर्ता आए और दुखी हुए, बोले कि आपकी बनाई हुई पार्किंग की बिल्डिंग इन्होंने उद्घाटन कर दी,
हमें केवल इतने से दुखी हुए आप, इसका तो ठेकेदार भी चला गया, वो राजसभा बना था वो भी चला गया। तो समझते जाते पार्टी ने एग्जाम में नहीं काम किए, क्या आप सोच सकते थे घंटाघर इतना सुंदर दिखेगा? अधिकारियों में ट्रांसफर होते थे, समाजवादियों ने ऐसी चीज पर बना दिया। तो गाजियाबाद जाइए कभी सड़क पर चलिए, जो सड़क बनी एलिवेटेड सिंगल पेयर सिक्स लेन एलिवेटेड रोड, आप दिल्ली में बता दिए कहीं बनी हो, कलकत्ता में ऐसी सड़क बनी हो तो बता दें, आप बेंगलोर में बता दें, चेन्नई में बता दें, मुंबई में बता दें, अगर इन शहरों में नहीं बनी है और समाजवादियों ने कम से कम गाजियाबाद में बना दी हो तो उन्हें बुरा लगता है, वो आपके काम को फेस नहीं कर पा रहे हैं। और आप तो शिवग्राम में जाने कितनी बार गए होंगे, आप शिवग्राम में गए हो, कभी भदोही में जाइएगा जो कारपेट बाजार बनाया है, और नोएडा में जाइए जो सिटी सेंटर बनाया है। तो केवल बुनकरों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, मंडी देखिए 100 एकड़ में मंडी बना रहे थे, हम जानना चाहते हैं कहां मंडी बनाई उन्होंने 100 एकड़ में। अरे किसान को कहां से प्लेटफॉर्म दोगे, कहां से रेट मिलेगा? जब तक आप मंडी नहीं बनाएंगे आखिर किसान लेकर के कैसे जाए, कहां मिलेगी उसको कीमत? तो मंडियां बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे। एक परफ्यूमरी पार्क कर पूछ रहे थे कि आपका परफ्यूम बार बंद हो गया, हमें कहा परफ्यूम का क्या लेना देना है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्हें परफ्यूम से क्या लेना देना है, वो परफ्यूम से दूर रहते हैं क्योंकि वो योगी है। तो उन्हें परफ्यूम पार्क से क्या लेना देना है, कम से कम नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे थे परफ्यूमरी का। मलियाबाद में आपके आम की मंडी बन रही थी, आपके सहारनपुर से देवबंद में आपका वाया बनारस सड़क, मुजफ्फरनगर से वाया देवबंद आपके सोनभद्र की सड़क बना दी। मैं जानना चाहता हूं आप एड हमारा 4 साल पुराना निकालिए। मैं सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा क्योंकि बहुत सारे अखबारों में छपा होगा, 4 साल पहले जो बिजली विभाग का जिसमें हमने गोमती नगर का उद्घाटन किया था दिवाली से पहले, जो बातें मैंने कही थी दिवाली से पहले, क्या वही बातें आज नहीं है बिजली विभाग को लेकर के आज के एड में? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 4 साल में आपने कौन सा बिजली का एक प्लांट लगा दिया, बताया हमें सरकार, एक यूनिट उत्पादन नहीं किया इन्होंने, क्या बिजली दे रहे हैं? बिजली नहीं दे रहे हैं आप, सरकार अपनी जेब गर्म कर रही है, पैसा वसूल कर रही है गरीबों किसानों से। आप कह रहे हैं कि बहुत काम आपने किया, लेकिन जब वोट का वक्त आया तो जनता ने काम के आधार पर वोट नहीं दिया, क्या सरकार को इसी बात का डर है कि अगर हम काम करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा? मैं हवाई जहाज में गया था और मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली थी, उन्होंने मेरा हाथ देख लिया 350 का जीतेंगे एक महीने जो होती 351 हुई। तो ये बात सोशल मीडिया पे आई और खासकर बीजेपी का एक जो ट्विटर हैंडल है जो बहुत मुझे ट्रोल करता है, उसने कहा कि अरे आपने 700 रुपए दे दिए तो इतनी सीट नहीं जाते, वो तो बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, बीजेपी का हैंडल ये कह रहा हो, बीजेपी का हैंडल ये कह रहा हो कि अगर आपने 700 रुपए दे दिए होते तो आप ये आता आपके पास। भगवान वेंकटेश में देखता हूँ, ये सब अवतार भगवान विष्णु के और ये सब भगवान मेरे घर में रखते, जानते हो कि नहीं जानते हो? भगवान विष्णु की और होता है भगवान इसके बाद। मेरा एक सवाल है, एक बात ये आ रही है लगातार कि शायद जिनको बाबा मुखर्जी कर रहे हैं आज नहीं कहते योगी मुखर्जी, मगर जिनको आप मतलब मुख्यमंत्री जी का कोई फोन क्या आपके पास आया था कि आपके कार्यकर्ताओं के जो जो विरोध प्रदर्शन हुए आपने उनको कहा गया, इस तरीके बात चर्चा आ रही है? ये हमारे जितने भी पत्रकार मित्र ये बात जानते हैं और इनमें से कुछ लोगों ने कोशिश की थी, जो सबसे बड़े सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी, उन तक फोन करने की कोशिश की थी, जानकारी लेने की कोशिश की थी कि ये सच है कि नहीं, ये सच है। आपसे थोड़ी देर पहले लेकिन मैंने फोन पे एक बात और कही थी, मैंने एक बात और फोन पे कही थी, ये कार्यकर्ताओं वाली बात तो हो गई सो हो गई, मैंने एक बात और कही थी और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार समाजवादी पार्टी के नेता
आजम खान साहब पर अन्याय कर रही है उसको जरा दिखा लीजिए। और आपका एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ करके अन्याय कर रहा है। और अभी मैं टीवी इंटरव्यू में गया, एक पत्रकार साथी से सवाल जवाब में वो बात खुद स्वीकार कर गए, कहा कि सरकार जो चाहे सो कर सकती है। इसी पार्टी कार्य ने, याद कीजिए, इसी हॉल में मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा था कि 376 तक इस सरकार में फर्जी मुकदमे लगे हैं। और एक वो गांजा को लेकर के न जाने कितनी बार यहां पर चिल्ला के गया है, फर्जी लगा दिया उसने गांजा 40 दिन जेल में। और आपके पत्रकार साथियों जिन्होंने खबर निकाली थी, जिन्होंने के दाल में इतना दाल है, इतनी हल्दी है या इतना पानी है, इतने दूध में पानी है, बताओ उनके मुकदमे दर्ज हुए कि नहीं हुए? तो आजम साहब के बारे में कुछ कहा लेकिन ये बात तो सरकार जान ले भाई, आप ही मुकदमे कैसे लगा रहे? इतना अन्याय किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और अन्याय की वजह से ही विदाई है, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की ये है कि 300 विधायक नाराज हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सोचिए आप। जब 22 में चुनाव जनता के बीच में हो जाए, दो दलों में एक ही ओम प्रकाश राजभर जी कम से कम सच बोलते थे उस सरकार में, सच बोलने की सजा भुगत रहे। जिस बाबा ने आपका हाथ देखा था उसका बाबा है। लेकिन अगली बात उन्होंने ये कहा मुझसे, कुछ और भी कहा कि जब कभी हम दोबारा मिलेंगे तो बात करेंगे। तो हमारे बाबा हैं और ऐसे बाबा हैं कि कोई बाबा उन पर अन्याय नहीं कर सकता। सोच लीजिए आप कितने बड़े होंगे। चलिए बहुत धन्यवाद, आप स्वस्थ रहें और कोरोना जैसी बीमारी न फैले। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।